बात कहूं, खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते कहूं। तो फिर चल 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 पे है हरी प्यार की वादी तकते हैं खुशबू खुशबू को चखते हैं। गाइस दिस इज मी तरनजीत सिंह हरजल बोले पाकिस्तान के साथ और हम इंटर हो चुके हैं नारायण के अंदर। रात का वक्त है, बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि नारायण की खूबसूरती रात के वक्त भी होती है जब यहाँ का पूरा मार्केट जगमगाता है। एक छोटा सा टाउन है पहाड़ों के बीच में और चारों तरफ दुकानें मार्केट होटल रेजिडेंस नजर आती है, आपको गाड़ियां चलती हुई नजर आती है और तकरीबन पूरी रात यहाँ रौनक लगी रहती है। तो हम आए हैं नारायण, इस पूरे सर्किट में अगर आपको कहीं नाइट लाइट यानी शाम के औकात रात के औकात आर्टिफिशियल रोशनी में कोई जगह जगमगाती हुई नजर आती है तो वो है नारायण। तो लेट्स टेक अ राउंड ऑफ नारायण और उसके बाद आगे भी बढ़ते हैं। हरजल बोले पाकिस्तान। नारायण वादी कागान का मेन टूरिस्ट पॉइंट है। ये शहर बालाकोट से तकरीबन 82 किलोमीटर के फासले पे है। जगह हैंडमेड है ये। अच्छा, वैसे ये चीज अच्छी लग रही है। लेट्स ट्राई समथिंग, मे बी ट्राई दिस, इफ आई लाइक इट मैं इसको यूज करूंगा क्योंकि हैंडमेड है और है भी ट्रेडिशनल चीज। ट्राई कर दे, आपका ट्राई की कर रहे की हर्जा। अच्छा, मैं अपना स्टाइल बनाने की कोशिश करता हूँ और ये सर्दी को भी कवर करेगा यहाँ पे और थोड़ा सा मजा भी आएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सही बात है। चलो जी, ये कंटिन्यूटी बन गया मेरी, ये तो ये मैंने अबाउट कर दिया। इधर हैंडमेड है और अगर आप यहाँ नारायण में आते हैं तो बिलीव मी बहुत ऐसी चीजें जो यहाँ की एंटीक से आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। मसला ऐसी चीजें जो हाथ से बनती है। ट्राई दिस इफ यू लाइक सम स्टफ, इट्स वेरी गुड स्टफ। और बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो लोकल सकाफत है और लोकल सनत है उसको भी हमने प्रमोट करना है, उनको भी हमने हाईलाइट करना है। नाइस वन। ये कुछ नौजवान नजर आ रहे हैं और ये आए हुए घोट की जो ऑल दिन से हरजल बोले पाकिस्तान, हरजल बोले पाकिस्तान। ये चीज थैंक यू। आप यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली सर्दी तो है और अगर आप मेरी तरह फैशन के चक्रों में थोड़े कम कपड़े लाते हैं और आपको लगता है कि अच्छी टी शर्ट आपको सूट करेगी, गलत फहमी है आपकी, तो यहाँ सर्दी बढ़ सकती है। बेटर है फिर ऐसी किसी दुकान का रुख किया जाए और कोई ऐसी चॉइस पकड़ी जाए जो आपको सूट करे। Simply amazing, no words to describe. ये है नारायण की वैली, बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश, नेचर के बहुत करीब और चमकता धमकता हुआ और लोगों से भरा हुआ और सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू का एक अट्रैक्शन।
और हमने रात को यहाँ विजिट किया, लोगों से भी मिले, हमने मार्केट भी देखी, लेकिन दिन का व्यू भी बड़ा खूबसूरत होता है बट इट्स मॉर्निंग। और चूंकि जब रात पूरी रात लोग बाहर रहेंगे घूमेंगे तो ऑब्वियसली दिन बड़ा स्लो स्टार्ट होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसी पहाड़ों के बीच में है झील सफल मलूक, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे और वहाँ के आपको दीदार कराएंगे, वो दिखाएंगे। और वापसी जब आएंगे तो मैंने वादा किया है कि एक बार फिर दिन की रोशनी में नारायण वैली और नारायण की जो छोटा सा कस्बा टाउन है जिसके अंदर सयाहत आपको नजर आती है, लोग नजर आते हैं, उसका आपको व्यू करवाएंगे, दिखाएंगे। तो मुझे फॉलो कीजिए, चले मेरे साथ और बढ़ते हैं हम झील सफल मलूक की तरफ। बहुत सी कहानियां, बहुत सी रिवायात और बहुत सी अट्रैक्शन उससे जुड़ी है। स्टे विद मी एंड फॉलो मी। Finally, the dream comes true and I'm here at Greater Jhil Sifal Maluk. बहुत अच्छे से ख्वाहिश थी आने की और यकीन मानिए यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ आ गया हूँ इतने मुश्किल रास्तों से, पर यकीन तो करना पड़ेगा। कैमरा बताता है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, बड़ी विश थी बड़े अरसे से और फाइनली मैं यहाँ आ गया हूँ। बहुत खूबसूरत नजारा है, इसकी लोक कहानियां भी है, दास्तानी भी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले मेरी एक्साइटमेंट तो पूरी हो लेने दे झील सफल मलूक की। और आप भी देखिए मेरे साथ ये नजारा, एंजॉय कीजिए यहाँ की ठंडक और फ्रीज, और पीछे सामने आपको नजर आ रहा है ग्लेशियर जहाँ का पानी पिघल के यहाँ आता है और यहाँ से कुछ चश्मे भी फूटते हैं। झील सफल मलूक तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है नारायण से। झील सतह समंदर पे 10,537 फीट की बुलंदी पे है।
ایسے سیٹ کی جگہ اتنی اٹریکٹیو ہے کہ کوئی بھی چل کے آتا ہے. تو فیملی بیٹھی ہوئی ہے کراچی سے ہمیں ابھی. بردر گڈ, کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے اتنی دور اتنی بڑی پہاڑی چڑھ کے؟ بہت اچھا, بہت انجوائے کر رہے ہیں, بڑا اچھا موسم ہے. ڈر تو نہیں لگا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. رستہ مشکل ہے؟ رستہ تو مشکل ہے. کتنے دن لگے کراچی یہاں تک پہنچنے میں؟ تقریباً 4 دن. بڑی فیل ہے ڈفرنس. ٹھیک ہے, کراچی میں اسی میں بیٹھے ہوں گے, یہاں آئے آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے؟ نہیں, فریش ایئر ہے ادھر, لوگ ہیں, ہر قسم کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, نیچرل بیوٹی اتنی زیادہ ہے, تو الگ ہی مزہ ہے. فرسٹ ٹائم آئے؟ جی فرسٹ ٹائم. اور یہاں کے سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگی؟ کھانے کیسے لگے, ڈفرینٹ لگے؟ کھانے ڈفرینٹ نہیں, پاکستانی ہے, سیم ہے, لیکن الگ ہی ادھر مزہ ہے کیونکہ انوائرمنٹ بہت ڈفرینٹ ہے. کہانی سنتے ہیں یہاں کے بزرگ سے جو یہاں کے باسی بھی ہے اور گائیڈ بھی ہے. جی بابا جی, سنائیں ذرا اس کی کیا کہانی ہے. کیفل ملوک کو ایک شہزادہ تھا, یہ مصر کا ایک بادشاہ کا بیٹا تھا. وہ یہاں آیا اور یہاں ایک پری رہتی تھی, بدیل جمال نام تھا. اس کو یہاں سے آشل کیا, یہاں سے لے کر ناران کی طرف چلے گیا, روانہ ہو گیا. اور یہاں سے ایک تو اس کے ساتھ پھیلنی ہوئی تھی, وہ واپس بھاگ گئے. وہ جا کر ایک دیو کو بتا دیا جس کے کٹول کے اندر پری تھی. اس کو بتایا کہ یہاں پہنچا دیو, دیو نے یہ جھیل کو توڑا ہے, یہاں سے یہ سیلاب دی ہے. سیلاب جا کر ناران میں پہنچا, پری اور شہزادے کو ایک غار ہے, غار کے اندر چلے گئے. دائیں طرف سے ایک سیلاب گزر گیا اور بائیں سے گزر گیا. اس وقت تک وہ غار بھی موجود ہے. پھر اس نے کئی دنوں دیو نے تلاش کی پری, اس کو پری نہ ملی. یہاں سے اگر جا کر ایک پہاڑ کے اوپر چھلانگ لگائی ہے صدمے سے اور خودکشی سے, جو مر گیا. پری اور شہزادے کو یہاں سے حاصل کر کے شادی کر کے لے کے مصر کر دیا. اس کے بعد یہاں لوگ آنے شروع ہوئے گی. یہ روایات ہیں یہاں سے جڑی ہیں, اور ایسی اور بہت سی کہانیاں ملیں گی جب آپ آئیں گے اور لوگوں سے اور کہانیاں سن سکتے ہیں. سنا ہے کہ آسمان اور بادلوں کے بیچ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے, اور کبھی آسمان بادلوں سے باتیں کرتا ہے اور کبھی بادل آسمان سے باتیں کرتے ہیں. لیکن کبھی تو یوں بھی ہوتا ہوگا نا کہ بادل آسمان سے روٹ کے نیچے آتے ہیں, اور جب نیچے آ جاتے ہیں تو پھر ان کو پہاڑ دوست ملتا ہے اور پہاڑوں سے باتیں کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں ایسی دوستی ہے کہ جب بھی بادل ناراض ہوتے ہیں آسمان سے تو نیچے آ جاتے ہیں اور پھر نیچے پہاڑ کے آگے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اس سے کوئی داستان شیئر کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ایسا منظر دیکھنا ہے تو بلیو یو ناٹ فائنڈ ان اینی سٹی ان ادر پلیس, آپ کو ایسی کچھ جگہوں پہ آنا پڑے گا. یہ قدرت کا نظارہ آپ کو اسی جگہ پہ نظر آئے گا. وادیوں کے بیچ میں پاکستان ٹوریزم کا ایک خوبصورت ریزورٹ ہے, بہت اوپن ہے, یہاں فیملیز کے پاس بھی ہے اور ریزیڈنس کا بہت اچھا انتظام ہے, لوگ آتے ہیں رہتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ آپ کو پورے بازار میں, ناران کی پوری ویلی میں اور اس سے اوپر والے ایریا میں جب آپ جیل سبل ملوک کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو بہت سے ہوٹلز مل جاتے ہیں. تو اب ان کرنٹ سیناریو, کرنٹ سچویشن میں ہوٹلز اور ریزیڈنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھے ہوٹلز اویلیبل ہے, کھانے کو اچھے ریسٹورینٹس بھی ہیں. ایک چھوٹا سا ایشو جو میں نے یہاں دیکھا بینگ این آبزرور, کہ کچھ پرائز ریگولیشن کی بہت کمی ہے, اور اتھارٹیز کو یہاں تھوڑے سے پرائز ریگولیشن کمیٹیز کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے اور یہاں تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے. دریا اور دریا کے کنارے پہ بوٹنگ کرنا ویری سیف پلیس. لائف جیکٹ پہنی ہے اس میں, جب تک لائف جیکٹ نہ ہو اس کو ٹرائی نہ کیجیے گا. میں ٹرائی لے رہا ہوں, ہمیں سب فالو کیجیے گا. فرسٹ ایور ایکسپیرینس آف مائی لائف. تو ایک بوٹ کے اوپر دونوں سائڈ سے کپتان بیٹھتے ہیں, ایک فرنٹ سے اور ایک بیک سے کنٹرول کرتا ہے, اور بیچ میں جو میری طرح
हाफ खिलाड़ी होते हैं, नाड़ी तो मैं कहूंगा नहीं, मैं कहता हूँ सकता है नाड़ी, हाफ खिलाड़ी होते हैं वो बस बीच में बैठते हैं, नजारे करते हैं, इंजॉय करते हैं, हाथ से होता है पर चलाते नहीं है क्योंकि डायरेक्शन का नहीं पता, पानी का किसी कंफ्यूज करके किसी दीवार में न टकरा दे। आप कोशिश कीजिए कि कप्तान साहब से पूछ के चलाएं तो फ्रंट एंड बैक पे आपको इस बोट में कप्तान मिलेंगे। नॉर्मली 4 या 7 लोग एक बोट में ट्रैवल करते हैं। अगर आप नारायण से निकले और बाबू सर का सफर इख्तियार करें तो एक मकाम बीच में आता है जिसको बटा कुंडी कहते हैं और ये बड़ा खूबसूरत सियाहती मकाम है। बालाकोट से तिलवास की तरह एक खूबसूरत वेल फर्निश्ड रोड डेवलप हो चुकी है। टूरिस्ट के लिए इस रूट पे अच्छे होटल्स और गेस्ट हाउसेस बन चुके हैं। ऊपर है और बड़ा खूबसूरत नजारा है और मैं मिस भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी का रिस्क नहीं दूंगा क्योंकि बड़ा खतरनाक रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। गाड़ी देखता हूँ कि लिफ्ट मिलती है तो कोशिश करते हैं। अंकल फ्रंट सीट मिलेगी? तो यार एक ही गल हो यार, ऐ देखो मैं नहीं करता, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं तो इंजॉय करता अपना, मैं तो इंजॉय कराऊंगा हूँ। हाँ ठीक है जी, पक्की गल है, फ्रंट सीट मिलेगी? चल तू डायरेक्ट पैसे ले ले। चलो जिंदगी का मजा तो एडवेंचर में है और जब एडवेंचर की बात हो तो हर दिल बोले पाकिस्तान एडवेंचर का दूसरा नाम है। फॉलो मी। बटाकुंडी से 5 किलोमीटर के फासले पर है लालाजार और रास्ता बड़ा मुश्किल है और वाइट सोल्यूशन है यहाँ की लोकल जीप जो मेरा भी रास्ता है। और आपको भी एडवाइस करूँगा कि जब आप यहाँ आए तो यहाँ की लोकल जीप को ही सोर्स यूज कीजिएगा इस ट्रैवल के लिए।
तो ये है लालाजार, परियों का देश और खूबसूरत जगह, नेचर के बहुत करीब। पर अगर आप भी अपने आप को फ्रेश करना चाह रहे हैं तो ऑफिस को ताला लगाइए, बाहर निकलिए, थोड़ी सी गाड़ी चलाएं, ड्राइव कीजिए, नीचे से जीप पकड़िए, ऊपर आइए और अपने आप को पाइए कुदरत के बहुत करीब। पहाड़ों के ऊपर एक और पहाड़ और वहाँ पे जाके ये बिछा हुआ ये खूबसूरत दीवादी, ये खूबसूरत सा मैदान जो है लालाजार, और क्या अट्रैक्शन है इसकी, बिल्कुल अपने आप को कुदरत के करीब पाएंगे। जो मकामी लोग हैं वो तकरीबन 9 महीने यहाँ नहीं रहते क्योंकि शदीद बर्फबारी होती है, तो नीचे जो इलाके वहाँ पे रिहायश इख्तियार करते हैं। लेकिन इनका जो रोजगार है, जरिया माश है, एक तो टूरिज्म है जो लोग आते हैं घोड़ सवारी कराना, बाकी मटर यहाँ बहुत उगाया जाता है, आलू उगाया जाता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्लोजर टू नेचर बहुत है, नेचर से इतने इंस्पायर्ड है और इतने नेचर के करीब है कि उनके हर एक्शन में आपको नेचर नजर आएगा। इधर कुछ बच्चे बैठे हैं, ये कुछ नेचर के करीब से कुछ साउंड आपको सुनाएंगे। हाँ जी, लालाजार पे टूरिस्ट के लिए हल्की फुल्की सहूलियात मौजूद है, अलबत्ता खाने पीने की चीजें आपको बहुत आसानी से दस्तियाब है। लालाजार से वापसी बटाकुंडी की तरफ ही रास्ता आता है। कुछ और आप आगे बढ़ेंगे तो जलखट से होते हुए आप श्री लुलूसर की तरफ पहुंचेंगे। पहुंचे झीलों के झील लुलूसर झील, और होता कुछ यूं है कि दरिया कुनहार का जो पानी है वो लुलूसर झील से होके जाता है, ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर का पानी पिघल के छोटे छोटे झीलों में आता है और वो छोटे झील लुलूसर झील में जमा होते हैं और इसके बाद ये दरिया कुनहार आगे बढ़ता है, बरसाती पानी भी उसका हिस्सा बनता है और भी जो ग्लेशियर पिघलता है वो भी उसका हिस्सा बनता है। यहाँ पे मकाम और मंजिल कुछ यूं है कि अगर आप देखें लश ब्लू पानी आपको नजर आ रहा है, साइड पे ग्रीन पहाड़ हैं, ऊपर काले बादल छा जाते हैं और तेज ठंडी हवा चलती है। ये ऐसा मंजर है जो मिस करने वाला नहीं है। हमारा ये सफर, हमारा एपिसोड यही खत्म हो रहा है, मेरी जर्नी जारी है, फॉलो मी ऑन टू द नेक्स्ट जर्नी, सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हरदिल बोले पाकिस्तान। पर कोई ये धरती ये अंबर कहता है, सब प्यार है।